हेलो क्लास वेलकम बैक टू मॉड्यूलेशन क्लासेस जैसे आपको पता है कि हम इंग्लिश के सारे ही चैप्टर्स पढ़ रहे हैं डायरी ऑफ एनी फ्रेंड खत्म किया है अब हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ रहे हैं ग्लिमसेस ऑफ इंडिया ठीक है ग्लिम्सिस ऑफ इंडिया के तीन पार्ट्स हैं अबेकर फ्रॉम गोवा सेकेंड वो इज कुर्क एंड थर्ड इज दट्री फ्रॉम असम तो हम तीन जगहों के बारे में पढ़ने वाले हैं गोवा तो आप सबने सुना होगा ना यार बीचेस गोवा सुनते दिमाग में क्या आता है बीच आते हैं है ना बीच आता है वो अच्छी अच्छी सी हवा चल रही है बीच में बैठ के हम आराम से यार खा पी रहे हैं तो ये जो है गोवा इसके अंदर कोई बीच के बारे में डिस्क्रिप्शन नहीं दिया है ठीक है तो इसके अंदर ना हम आप कुछ और ही चीज पढ़ने वाले हैं जो आपने सुना नहीं होगा कभी ज्यादा या अगर हो सकता है कुछ लोग जो गोवा गए हैं उन्होंने देखा हो कभी कि वहां पे कुछ ब्रेड का कल्चर है ठीक है वहां पे ब्रेड्स वगैरह मिलती है वो वहां पे कैसे आई कैसे उसका आगमन हुआ ठीक है जो स्टोरीज जो है वो कौन बता रहे हैं यहाँ पे हमें लूसी रॉड्रिक्स जो है वो अपनी स्टोरी बता रहे हैं कि कैसे उनकी जगह पे मतलब जो ब्रेड है वहां का कल्चर कितना डिफरेंट है बच्चे उसको कितना पसंद करते हैं ठीक है तो ये सारी चीजें जो है इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं तो मेन जो करेक्टर है वो यहाँ के

ठीक है और हम इसके अंदर बात करेंगे बेकर की ठीक है बेकर जो है वो क्या क्या बनाता है क्या क्या लेकर आता था उन लोगों के लिए और उसकी क्या क्या चीजें वो खाया करते थे ठीक है तो इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं अ बेकर फ्रॉम गोवा ठीक है थीम जो है इस चैप्टर की वो क्या है वो डिस्क्राइब कर रही है कुछ इवेंट्स ठीक है जो गोवा के अंदर हो रहे हैं ठीक है एट द टाइम व्हेन द राइटर वाज यंग ठीक है जब ये राइटर यंग था तो उसने वहाँ पे क्या क्या देखा ठीक है वहाँ पे क्या क्या चलता था क्या क्या खाते हैं लोग तो वो सब चीजों के बारे में वो बताने वाला है नेक्स्ट हम अपनी समरी की तरफ बढ़ते हैं जब ये समरी की अगर हम बात करें इसमें कि जो लोफ है यानी कि जिस बेड के बारे में हम इसके अंदर बात करें वो आई किसकी कल्चर किसका था सो जो पोर्तज़ है ना उन्होंने कम से कम 450 इयर्स ईयर्स तक ठीक है राज किया है गोवा में पोर्तुगीज का राज रहा है ठीक है गोवा के अंदर 450 फिफ्टी ईयर्स तक उन्होंने अपना राज किया तो जो उनका कल्चर था जिस तरीके से ब्रिटिशर्स ने हम पे राज किया तो उनका जो कल्चर है बहुत सी चीजें आपको अभी भी इंडिया के अंदर देखने को मिलेगी यार उन्हीं की तो है छोड़ी हुई इंग्लिश जो हम आज तक पढ़ते आ रहे हैं अपनी क्लासेज में पढ़े जा रहे हैं तो जो ये इंग्लिश है उनकी जो देन है हमको तो इसी तरीके से जो है ना उनकी भी देन है ये ब्रेड जो गोवा में आज भी चलती है ठीक है वहां पे काफ़ी सारे बेकरस जो है वो आज भी लोफ्स वगैरह बनाते हैं कुछ जो बेकर फैमिली के थे वो पहले जो है आ, वो पहले भी बनाते थे और अब उनकी जो आगे की जो जनरेशन है वो भी उस काम में इंडर्स है ठीक है जो लोग जो है वो ब्रेड जो खाते हैं ठीक है ईटर्स ऑफ ब्रेड जो है वो अब जो है वो मेकर्स मतलब कि अभी भी आप देखोगे तो अगर आप ढूंढने की कोशिश करोगे ना तो आपको कोई ना कोई ऐसा बेकर मिल जाएगा जो पुराने वाले टाइम वाली जो ब्रेड है वो बनाता होगा ठीक है तो वो अपने चाइल्ड डेज को जो है वो याद कर रहा है नरेटर रेटर कि की किस तरीके जो बेकर है वो वहां पर आता था उनका फ्रेंड भी था कंपेनियन भी था गाइड भी था मतलब वो हर तरीके का वो पर्सन हुआ करता था जो बेकर हुआ करता था जो उनकी गली में आया करता था आपने देखा होगा जैसे आपने चने वगैरह वाले जो गली में आते हैं ठीक है जो चने वगैरह बनाते हैं मुरमुरे बनाते हैं तो उनके ना हाथ में एक लकड़ी का जो क्रॉस करके एक डंडा सा होता है जो हमेशा वो अपने साथ लेके चलते हैं ठीक है और जैसे ही आप उन्हें रोकेंगे कि भैया भैया हमें एक प्लेट लगाना तो वो क्या करेंगे पहले अपना डंडा खोल के उसको वहां पे सामने रखेंगे और उसके ऊपर अपना जो टोकरी है वो लगा के वहां पे बनाने लगते हैं तो इस तरीके से जो बेकर है ना उसका भी कुछ ऐसी सामान वो अपने साथ लेके चलता था तो वो जो बेकर है वो पहले तो दिन में दो बार आया करता था जैसे आपने देखा होगा कि कोई इंसान अगर वहां से गया है तो वो वापिस भी वहां से आएगा तो इस तरीके से दो बार वो दिन में आया करता था वहां पर ठीक है जब वो पहले मॉर्निंग में आया करता था फिर दोबारा से जब रिटर्न करता था अपने घर में सारी चीज़ें बेच के तो वो भी उस दोबारा से उस रास्ते से गुजरा करता था ठीक है और एक जिंगलिंग थर्ड की जो साउंड है वो बेकर के बैम्बू से आती थी जो उसके हाथ में एक लकड़ी रहती थी ठीक है वो बार बार उसको टैप करता था ठीक है फ्लोर पे तो उससे क्या आता था एक आवाज़ क्रिएट होती थी एक साउंड क्रिएट होती थी जिससे कि जैसे बच्चे उस आवाज़ को सुनते थे ना उन्हें लगता था अरे 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 बेकर आ गया है फटाफट से जाना है उसके पीछे तो इस तरीके से जो बेकर है उसकी आवाज जो है उसने अपने बैम्बू से क्रिएट करी हुई थी ठक ठक करके ठीक है जैसे घंटी बजती है यार जब आइसक्रीम वाला आता है और जब वो जब चौमिन वाला आता है तो उसकी जो कढ़ाई होती है उसको वो बजाता है इस तरीके से तो अलग अलग साउंड होती है ना हर पर्सन की कि वो जब गली में आता है तो पता चल जाए तो जो बच्चे हैं ना सोते हुए बच्चे भी यार झाक झाक करते थे यार उसकी साउंड से वो जो उसकी बैम्बू से साउंड आती थी तो वो जिंगलिक साउंड सुन के वो बच्चे सारे के सारे उठ जाते थे और वो लोफ खाने के लिए मतलब जो लोफ्स वगैरह है यानी कि जो ब्रेड के जो टुकड़े हैं मतलब लोफ जो है ना वो बोला जाता है ब्रेड का जो पूरा कंप्लीट पीस होता है ठीक है ब्रेड का जो कंप्लीट पीस जैसे इस तरीके से आप ब्रेड देख सकते हैं उस कंप्लीट पीस को हम लोफ कहते हैं ठीक है लोफ्स जो है वो प्लूरल फॉर्म है लोफ की ठीक है लोफ जो है वो तो सिंगल लोफ हो गया और लोफ्स हो गया मतलब काफी सारी लोफ्स जो ठीक है वो लोग जो है वो जो लोफ्स थी वो सर्वेंट्स वगैरह जो होते थे घर के वो तो ले आया करते थे मतलब सुबह वही मतलब लाके घर में रख दिया करते थे लेकिन पर वो जो पर्सन आता था जो बेकर आता था वो अपने साथ क्या लेने अगले के आता था बच्चे थोड़ी वो ब्रेड का टुकड़ा लेने भागेंगे बच्चे तो कुछ और लेने जाते थे चलिए आगे बढ़ते हैं कि बच्चे क्या लेने के लिए भागते थे एकदम बाहर ठीक है वो भी बिल्कुल सो के उठ गए ये नहीं कि कुछ टाइम वेट किया एकदम उठते थे जैसे ही आवाज़ सुनी और भागते थे घर की तरफ ठीक है अब वो जैसे ही देखते थे तो पेपर जो बेकर की जो बास्केट है उसके अंदर वो ढूंढते थे ब्रेड बैंगल्स ठीक है ये देख रहे होंगे किस तरीके का लग रहा है ये डोनट की तरह नहीं लग रहा आपको ठीक है मुझे तो डोनट की तरह लग रहा है ठीक है डोनट्स वगैरह अगर आपने देखे हो तो ऐसे सर्कल के शेप में बैंगल्स की शेप में दिखते हैं तो ये जो है ये भी एक तरीके से डोनट मान सकते हो आप उनका ठीक है तो ये जो है बच्चे एकदम जैसे ही देखते थे वो बेकर की बास्केट में ढूंढते थे अरे बैगल्स है तो वो फटाफट से खाने के लिए उठा लिया करते थे अब ये जो बच्चे कहते थे कि यार यार कौन वो आम की वो पत्तियाँ तोड़ के लाए डंडी तोड़ के लाए और ब्रश वगैरह करे यार शेर कौन कभी ब्रश करता है क्या तो वो कहते थे यार छोड़ो इस सब चीजों को हम डायरेक्ट जो है वो जैसे वो कहते थे यार बड़े लोग भी क्या करते हैं वो फटाफट से गर्म चाय के साथ जो है वो ब्रेड वगैरह खा लेते हैं तो गर्म चाय से तो मुंह का सारे का सारे सारे, सारे, सारे चीजें तो चली जाएंगी ना कोई प्रॉब्लम होगी नहीं तो वो भी कहते हैं कि हॉट टी खाओ यार ब्रेड खाओ उसके साथ तो ब्रश ब्रश करने की नीड नहीं बढ़ेगी ठीक है लेकिन आप लोग ब्रश जरूर कीजिएगा ये इसके स्टोरी पे मच ठीक है सो मैरेजेस जो है वो, वो तो इसमें और भी इसकी बताया गया है कि जो बॉल ब्रेड है जो मैरेजेज अगर वगैरह वहाँ पे जितनी भी शादियाँ वगैरह होती हैं वहाँ पे जो ब्रेड है उसको बोला जाता था बॉल ठीक है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वहाँ का पार्ट था कल्चर का पार्ट था शादी में ना अगर बॉल ना होना तो मतलब डिश में तो शादी अधूरी मानी जाती थी तो बॉल बहुत ज़्यादा जरूरी थी और ऐसी तरीके से बोलिन जो है ठीक है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे बोलिन और केक्स जो हैं ठीक है फेस्टिवल्स वगैरह के टाइम पे ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करते थे ये दोनों ही चीज़ें क्रिसमस वगैरह होता था उसमें ठीक है जो बेकर्स जो हैं वो एक उनकी ड्रेस के बारे में भी कहीं बताया गया और साथ ही साथ उनकी उनकी जो ड्रेस है वो नी लेंथ की फ्रॉक काइंड की ड्रेस हुआ करती थी जो जिसको हम बोलते थे कबाई ठीक है ये बहुत ध्यान रखना जरूरी है कि कबाई जो है वो कहाँ की ड्रेस थी ठीक है जो पैडल या आप सॉरी मैंने अभी तक आपको मैंशन नहीं किया जो वो पेडर है ठीक है जो बेकर है उसको पेडर बोला जाता था ठीक है वहाँ पे जो उस वो पर्सन था जो फ्रॉक सी ड्रेस पहन के आता था और लोफ्स वगैरह बेचता था उसको हम पेडर कहते हैं और ये क्वेश्चन आपको पेपर में भी फ्रेम हो सकता है कि पेडर जो है वो किसको कहा जाता था और वो क्या क्या चीजें बेचता था तो उनकी जो ड्रेस है उसका डिस्क्रिप्शन भी आपको आ सकता है कि उनकी जो ड्रेस है उसको क्या कहते थे ठीक है तो उसकी ड्रेस को कबाई कहते थे और वो जो एक नी लेंथ की फ्रॉक काइंड ऑफ का स्ट्रक्चर था और इस बेकिंग को बहुत प्रॉफिटेबल प्रोफेशन माना जाता था क्योंकि काफ़ी सारे लोग ये खाया करते थे तो ये बहुत प्रॉफिटेबल और बहुत अच्छा प्रोफेशन था ठीक है जो बेकर्स है वो वहाँ बनाते थे और लोग जो है फिर बाद में उसको लेकर निकल जाया करते थे गली गली हर जगह वो उसको सेल करते थे ठीक है और बेकर्स जो है उनका एक प्लम फिजिक हुआ करता था ठीक है वो मतलब वो काफ़ी पूरा दिन काम कर रहे हैं तो फिजीस जो है वो हो ही जाता है प्लम ठीक है एंड टेस्टिफाइंग टू दिस तो मतलब उनका जो फिजिक है वो इससे जो है मैच करता था कहीं ना कहीं ब्रेड भी ऐसी और वो भी दिखने में भी वैसे ही वैसे ठीक है सो द बेकर जो है वो अपने बिल्स वगैरह जो है एट एंड ऑफ द डे में उनका एक जैसे ये मान लीजिए आपने पहले के

ठीक है जो मेन आपका जो क्वेश्चन है वो आपका फ्रेम हो सकता है कुछ वैल्यूज के ऊपर भी की वैल्यूज जो है वो क्या क्या है चैप्टर क्यों ग्लेम्स ऑफ इंडिया अगर आपको ग्लम्स ऑफ इंडिया का खाली एक चैप्टर का क्वेश्चन नहीं आता और तीनों का एक साथ फ्रेम होता है तो वैल्यूज को जरूर ध्यान रखिएगा इनकी वैल्यूज कहीं ना कहीं सिमिलर है ठीक है कुर्ग जो है उसमें भी है, बात कर सकते हैं असम वाले जो चैप्टर है उसमें भी सेम हो सकती है और गोवा वाले चैप्टर में भी कहीं ना कहीं सेम ही वैल्यूज आएंगी क्योंकि हम इसमें बात कर रहे हैं ट्रेडिशनल वैल्यूज की अपनी ठीक है हेरिटेज की बात कर रहे हैं और जो रूट्स हैं ठीक है हमारी रूट्स हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं कि पहले जमाने में क्या हुआ करता था तो कल्चर की इंपॉर्टेंस भी दिखाई गई है और सोसाइटी मतलब कि हमारी सोसाइटी है वो कितने harmony में कितने अच्छे से रहती है पर्पेचुटी ऑफ ट्रेडिशन एंड हेरिटेज ठीक है हम पहले जमाने को ध्यान कर रहे हैं एक तरीके से उसको हमें अपने अंदर जिंदा रखना है एक तरीके से और हमारी रिस्पेक्ट जो है वैल्यूज जो है बिलीफ जो है ट्रेडिशन की तरफ ठीक है तो वो सारी चीजों को हमें याद रखना है और इस चैप्टर को आपकी बुक में इंक्लूड भी इसीलिए किया गया जिससे कि आपको थोड़ा पता चले कि गोवा सिर्फ बीचेस के लिए फेमस नहीं है ठीक है तो इन चीजों के लिए भी फेमस है यार तो टाइटल जो है टेक्स्ट जो है वो डिस्क्राइब कर रहा है इंपॉर्टेंस को बेकर्स की तो ठीक है यार ये नाम जो है अब बेकर फॉम गोवा चल जाएगा इसके लिए और पुराने टाइम में उनको बेकर जो है काफी इंपॉर्टेंस भी थी उनकी इस वजह से भी और ये चैप्टर जो है प्रॉपर जो है गोवा का सेटअप डिस्क्राइब कर रहा है इस वजह से भी ये ठीक है और जो राइटर है जो काफी यंग था जब उस टाइम की अपनी स्टोरी बता रहा है तो अ बेकर फ्रॉम गोवा उसकी टाइटल जो है वो एप्रोप्रिएट है अब जो क्वेश्चन आपका फ्रेम हो सकता है ज्यादा क्वेश्चन मैं आपको नहीं दे रही हूँ इस वाले चैप्टर के बेकर फ्रॉम गोवा के क्योंकि अगर आप कोई एक आंसर भी फ्रेम कर लोगे ना पीपीटी आपको मिल जाएगी टेलीग्राम के लिंक पे तो उसमें आप एक आंसर अपना फ्रेम कर लो छोटा सा ठीक है अगर उसके बारे में कौन कौन से पॉइंट आ सकते हैं जैसे पैडर बोला जाता था उसे ठीक है बॉल जो है वो मैरेजेस में यूज की जाती थी और एक और चीज है जो सैंडविचेस वगैरह है वो भी डॉटर्स की मैरिज में बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता था तो ठीक है तो वो भी ब्रेड से बनता था ठीक है बाकी जो है उसमें क्रिसमस में केक्स यूज होते थे बोलते

अब ये जो पीपीटी है आपको आपको इस लिंक में मिल जाएगी टेलीग्राम के लिंक पे जाइए उसको देखिए ठीक है, है लर्न कीजिए बाय हर्ट मतलब चैप्टर के कुछ पॉइंट्स से आप लर्न कर लो चालीस मार्क का चैप्टर आपका जो ये पूरा पोर्शन है ना अच्छे से प्रिपेयर करके अच्छे से करके आना और ऑल द बेस्ट क्लास ठीक है जितने भी स्टूडेंट्स हैं टेंथ बोर्ड के अभी प्रिपेयर कर लो आपका इंग्लिश में बहुत अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट है और आपको जो ये वीडियोस दिखाई जा रही है वो इसीलिए दिखाई जा रहे हैं जिससे कि आप जो लास्ट मोमेंट पे अपने चैप्टर के खाली जो मेन पॉइंटर्स है वो लर्न करके अच्छे से क्वेश्चन को लिख पाओ ऑल द बेस्ट क्लास मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट सेक्शन के साथ कुर्क ठीक है डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल बाय